हेलो फ्रेंड्स, मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और न्यू स्मार्टफोन निकाल दिया है, मोटो G82। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मोबाइल फ़ोन में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और यह भी बताएंगे कि इस मोबाइल फ़ोन की कीमत क्या है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा बटन को दबा लेना ताकि हमारे सभी वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करें मोटोरोला G82 स्मार्टफोन के बारे में, तो सबसे पहली बात, ये एक 5G स्मार्टफोन है। हाइट की बात करते हैं तो 6.6 इंच की फ्लैगशिप 10-bit OLED डिस्प्ले मिलने वाली है। और बात करें वेट की, इस फोन की 173 ग्राम की वेट मिलेगी, यानी कि 173 ग्राम का वेट काफ़ी हल्का वेट होता है, ठीक है ना। वहीं बात करते हैं ब्राइटनेस की, इस फोन में आपको 1000 निट्स तक की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, जो कि पीक ब्राइटनेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो OS है, यानी कि OS मिलेगा आपको बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12 पर, और इसी के साथ आपको एंड्रॉयड 13 भी मिलेगा अपडेट में, यानी कि मोबाइल खरीदने के बाद अपडेट वगैरह आएगा तो उसके बाद आपको एंड्रॉयड 12 से एंड्रॉयड 13 में ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका फ़ोन, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि काफ़ी तगड़ी बात है। बात करते हैं कलर की, इसी फ़ोन दो वेरिएंट में आएगा, दो कलर में आएगा। पहला कलर रहेगा मीटियोराइट ग्रे एंड वाइट लिली, यानी कि ग्रे एंड वाइट दो कलर में रहेगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो प्लास्टिक मिलेगा आपको, सॉलिड प्लास्टिक है, नॉर्मल नहीं है, काफ़ी अच्छा प्लास्टिक है, ठीक है ना। बात करते हैं प्रोटेक्शन की, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो IP52 की रेटिंग मिलती है। और इसी के साथ में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलता है कॉलकॉम की तरफ से आने वाला, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर होता है, ठीक है ना। आप इसमें गेमिंग भी मीडियम क्वालिटी में खेल सकते हैं और बाकी परफॉर्मेंस के मामले में एक नंबर का स्नैपड्रैगन है ये प्रोसेसर है ये। बात करते हैं स्टोरेज की, 128 GB की स्टोरेज आपको देखने को मिलती है। रैम रोम की बात करें तो 6/128 और 8/256 दो वेरिएंट में आएगा। वहीं बात करते हैं सिम कार्ड की, से दो नैनो सिम कार्ड लगा सकते हैं या फिर एक नैनो सिम कार्ड एंड एक SD कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं SD कार्ड की, से लगा सकते हैं। यदि बात करें कैमरे की, इस फोन में आपको 16 MP का कैमरा सेल्फी में मिलेगा। और बात करें बैक की, बैक साइड की, यहाँ पर बैक में आपको मेन कैमरा मिलेगा 50 MP का, वो भी OIS सपोर्ट के साथ, OIS विजन सपोर्ट के साथ, यानी कि OIS के कैमरे काफ़ी अच्छे होते हैं। और इसी के साथ आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, जो कि 8 MP का रहेगा, एंड डेथ एंड मैक्रो लेंस के लिए आपको 2 MP कैमरा मिलेगा, यानी कि रियर साइड में या बैक साइड में टोटल आपको 3 कैमरे देखने को मिलेंगे। बात करते हैं ऑडियो की, इस फोन में आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर सपोर्ट मिलेगा और विद डब्ल्यू एटम के साथ, ठीक। 2 साल की अपडेट्स भी मिलते हैं, ठीक है ना, 2 साल तक अपडेट आएंगे। और अब बात करते हैं बैटरी की, इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी दी जा रही है और इसी के साथ में आपको 30W का टर्बो फास्ट चार्जर भी मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो ये फ़ोन टोटल 5G फ़ोन है, क्योंकि इसमें 5G के 13 बैंड्स आते हैं, यानी कि 13 बैंड्स आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको साइड फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, डिस्प्ले नहीं है, एंड फेस अनलॉक भी मिल जाएगा, सो आप लोग फेस अनलॉक का यूज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं बॉक्स की, यदि आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो बॉक्स के साथ में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सो बॉक्स के साथ आपको एक मोबाइल फ़ोन मिलेगा एंड एक चार्जर मिलेगा, USB केबल मिल जाएगी, इजेक्टर टूल मिल जाएगा, ईयरफोन जैक अडाप्टर नहीं मिलेगा, एंड डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, प्रोटेक्टिव फिल्म भी मिल जाएगी इसमें, और फोन में प्रोटेक्टिव केस भी मिल जाएगा, यानी कि फ़ोन का कवर मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं प्राइस की, इस फ़ोन की प्राइस है ऑफ़र वगैरह में, और यदि आप बैंक के कार्ड वगैरह लगाते हैं तो 20,000 रुपये पड़ेगा, नहीं तो 21 से 22,000 रुपये का आपको पड़ेगा।